हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जालौर समाचार में आपका स्वागत है। जोधपुर एसीबी ने जालौर जिले के उम्मेदाबाद में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल में ट्रैप कार्रवाई की। एसीबी ने स्कूल की प्रिंसिपल और अतिरिक्त जिला परियोजक समन्वय को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल एसीबी के डीजे बीएल सोनी ने बताया कि एसीबी की जोधपुर एसयू इकाई को पीड़ित ने शिकायत दी है कि उसके खिलाफ लंबित शिकायत को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय से बंद करवाने के एवज में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय जालौर चंद्रकांत रमावत और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल उम्मेदाबाद की प्रिंसिपल खुशबू गहलोत उससे 3000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर एसीबी की टीम ने सत्यापन करवाया गया और शिकायत सही पाने पर ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। ट्रैप योजना के तहत मंगलवार सुबह सीआई मनीष वैष्णव की टीम ने जालौर के उम्मेदाबाद में ट्रैप कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय चंद्रकांत रमावत और खुशबू गहलोत हाल कार्यकर्ता प्रिंसिपल कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल उम्मेदाबाद को पीड़ित से 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार लिया गया, जिसके बाद एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।